डिम्स के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया है, और अब पूरा जो ट्रैकिंग वगैरह है वो सारा NIC द्वारा वो मैनेज किया जाएगा। और ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी। मैं जब भी अलग अलग यूनियन से मुलाकात की है तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ के बारे में ये रिक्वेस्ट किया है। CM साहब को कितनी बार इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया है। तो आज से जो ये ईयरली फी थी 1200 की, इसमें 18% जो है वो टैक्स भी है, तो अगर टैक्स इसमें लगा दें तो ये लगभग 1416 रुपये, मतलब 1400 रुपये के आसपास ये बनता है। और इसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जो कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ये कदम लिया गया। मैं सभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और CM साहब ने भी और हमने भी ये बार बार कहा है कि जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल, चाहे वो ऑटो हैं चाहे टैक्सीज हैं, ये बहुत अहम भूमिका पूरी दिल्ली वासियों का जो एक डेली रूटीन है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लाखों हज़ारों जो लोग हैं वो उनको एक अपने डेस्टिनेशन से लेके दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। माननीय CM साहब ने बार बार ये कहा है कि हर एक ऑटो टैक्सी वाले जो है वो एक हमारे परिवार का सदस्य है। और समय के साथ साथ जब भी सरकार को ये पता चला है कि इस चीज़ की वजह से कोई परेशानी हो रही है, उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन लिया है। और आज के इस मौके पे, इस जो ये खुशखबरी है इसके मौके पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा और ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ऑटो टैक्सीज और जितने पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल CM अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में और पीछे क्या किए थे। आपको याद होगा स्पीड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि जब भी फिटनेस के लिए व्हीकल जाया करता था उस पर एक सर्टिफिकेट इशू होने पे केवल 2500 रुपये का उस पर फीस था। वो हमने एक ऑर्डर के तहत 500 रुपये किया और उसके बाद अभी 2024 में ही, मेरे जनवरी 24 में, अब स्पीड गवर्नर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि स्पीड गवर्नर नहीं होना चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए, लेकिन वो सर्टिफिकेट के जो 2000-2500 रुपये लगते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो एक ये बहुत बड़ी राहत, जो हर फिटनेस के टाइम पे वो सर्टिफिकेट इशू करने में जो पैसे लगते थे वो उनके बचेंगे। इसी प्रकार से 2019 में फिटनेस फी जो ऑटोज़ की 200 रुपये थी और टैक्सी की 400 रुपये थी उसको निल किया गया, तो साफ साफ 200-400 रुपये की सेविंग थी। नंबर 3 पॉइंट पे एडिशनल फ़ी फॉर लेट फी, उसको 50 रुपये से 20 रुपये किया गया। रजिस्ट्रेशन फ़ी थी 1000 रुपये, उसको 1000 से कम करके 300 रुपये किया गया। डुप्लीकेट RC की जो फ़ी थी वो 500 रुपये थी, उसको 500 से कम करके 150 रुपये किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की जो फ़ी थी 500 रुपये, उसको 500 से कम करके 150 रुपये किया गया। एडिशनल फ़ी फॉर डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, उसको 500 से कम करके 100 रुपये किया गया। हायर परचेज एडिशन, वो 1500 रुपये थी, उसको 500 रुपये किया गया कम करके। रिन्यूअल ऑफ परमिट, इस पर भी लगातार जितने भी यूनियंस थी और जितने भी ऑटो टैक्सी वाले थे उनका ये हमेशा रिएक्शन आता था कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी कम किया गया। और अब लास्ट में जो ये एक बहुत पुरानी डिमांड जो उनकी बची हुई थी कि 1200 रुपये जो एनुअली जो फ़ी देते हैं व्हीकल ट्रैकिंग की, उसको भी हटाया जाए, तो ये ऑनरेबल CM की लीडरशिप में इसको हटाया गया जाए। आपको मैं इसी मौके पे ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम जब ऑटो टैक्सीज बिल्कुल बंद थे, तो मेरे ख्याल से अक्रॉस एंटायर दिल्ली गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया गया थ्रू फेसलेस, बिल्कुल किसी को हमने बुलाया नहीं अपने ऑफिस, वो टोटल अमाउंट लगभग 167 करोड़ जो पैसा ये डिस्पर्स किया गया था। तो आज का ये टॉपिक मेनली इसी पे था कि जो 1200 रुपये की जो फीस थी और इससे लगभग 1.5 लाख जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको डायरेक्ट ये फ़ायदा पहुँचेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।